साहिब जी राम कले महला पंजवा तेरे काज ना गृह राज माल तेरे काज ना बिखे जंजाल तेरे काज ना गृह राज माल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जाम कछ ना कहे रहाओ बिन हर सगल निरारथ काम सोना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहा उहा तेरो उज्जल मुखा कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही न किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आसा पूरन होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान नानक दास ताके कुर्बान हर संत करे सोई परवान नानक दास ताके कुर्बान वाहे गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान ते सत्कार योग सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप जी समूह गुरमुख माई पाई सत संगी नेमी प्रेमी सज्जन दूरों नेड़ियों चल करके धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे महान पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन दीदारे करन वास्ते बड़ी शरदा भावना आदव सत्कार दे नाल इस पावन पवित्र अस्थान पर एकत्र होए हो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे
प्रकाशवान हो करके सानू पावन पवित्र श्री मुख वाक हुक्मनामा साहिब जी की बख्शिश की है। अस्थाना दी नित मर्यादा दे मुताबक सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो प्राप्त होए पावन श्री मुख वाक हुक्मनामा साहिब जी की कथा विचार गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे जुड़ करके आप जी रोजाना श्रवण करते हो। अज का जो ये पावन श्री मुख वाक है उस दी विचार आरंभ करन तों पहला अज मेरे तीसरे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत गुरपुरब तमाम संगतां बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मना रही हैं जिन्हां सतगुरु पातशाह दी बड़ियाई करदिआं होइआं भट्ट साहिबान जी ने बड़े प्यार दे विच कहा है घन हर बूंद बसो रो मावल कोसम बसंत गनंत ना आवै राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के काबजन पल उन है जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै ने माणिया दे माण ने ताणिया दे ताण नियोटिया दी ओट धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का अवतार बासर के नगर विच पिता बाबा तेज भान जी अते माता राम कौर जी जिन्हानू लक्ष्मी जी करके भी इतिहास विच लिखिया उस माता दी पावन कुख तो अमृत वेले प्रकाश होया। बचपन दे अंदर माता पिता दा बहुत ज्यादा उच्चा ते सुच्चा जेड़ा जीवन सी उदा असर बाबा अमरदास साहिब जी दे उपर पिया। धर्म दी किरत करनी दसवंध कढ़ना धार्मिक अस्थाना दी यात्रा करनी पुन दान करदिया होया माता पिता जी ने जीवन बसर किया। वो जेड़े दैवी गुण सन वो बाबा अमरदास साहिब जी नू अपने विरसे दे विच्चों प्राप्त होए। माता पिता जेड़े दुकानदारी दा कार्ज करया करदे पिता जी घोड़ी दे उपर बस्तर लद करके नगरां पिंडां शहरां दे विच जाके बेचिया करदे पिता जी वाला कार्ज बाबा अमरदास साहिब जियां ने काफ़ी लंबे समय तक कीता। फिर उस साल दे विचों विशेष रूप दे विच समां कढ करके इलाके दे विचों शरदा भावना वाले गुरसिख प्यारियां नू नाल लेके तीर्थां दी यात्रा करन वास्ते चाले पा देने पैदल चल करके जाना कई कई महीनियां दा समा लंघ जांदा सी। 21 वारी जदों तीर्थ यात्रा करदिआं होया अज वापस आ रहे बासर के नगर वल नू रास्ते दे विच एक नगर विच सतगुरु पातशाह ने संगतां दे समेत पड़ा कीता। उस नगर विच रहण वाला एक विद्वान पंडित बड़ी भावना सी आए गए राइयां दी शरदा भावना दे नालों सेवा करिया करदा। श्री गुरु अमरदास महाराज बाबा अमरदास जी नूं अपने घर विच लियांदा बड़े प्यार नाल सेवा करन लग्या कोठे दे उपर मंजा डाह दिता। सारी रात जदों इस तरह परमात्मा दे नाम दी विचार करदिया गुजर दी जांदी है
भोजन प्रशादा पानी छकन लगे बाबा अमरदास जी ने अपना कुछ भोजन उस ब्राह्मण दे हाथ उपर रख दिता। जदों छकन लग्या ते बुरकी मूँह विच पौन लग्या पुछदा बाबा अमरदास जी आप जी इन्ने लम्मे समय तो लै करके जत्थे लैके तीर्थां दा रटन करदे यात्रा करदे हो आप जी दा गुरु कौन है। ए जदों बचन उस विद्वान ब्राह्मण ने ज्योत समत दा महान ओ ज्ञाता सी समुंदरीक ग्रंथों ने चंगी तरह पढ़िया होया सी सतगुरु दे चरणा दा पदम देख के उन्हें कहा सी सतगुरु पातशाह नू अमरदास जी समा आवेगा जां तुसी चक्रवर्ती बादशाह बनोगे जां आप जी कोई महान ऐसी उच्च अवस्था दे उत्ते टेक करके तमाम जीवां दा कल्याण करोगे आने वाले समय विच पता चलेगा। जदों सतगुरु पातशाह ने बुरकी दिती है भोजन छकन लग्या पुछया तुहाडा गुरु कौन है तां बाबा अमरदास जी दे बचन सी ब्राह्मण साहिब गुरु ते हाले धारण नहीं कीता। रसना तो जदों ये बचन सतगुरु पातशाह ने कह दिते इहदे मन दे अंदर बहुत ही ऐसा क्रोध जागिया ते कह दिता कि नगुरे दे हाथ दा मैं अज भोजन छक करके पिटिया जावांगा ते तुसी इतने महान हो के इतनी संगत दी अगवाई करन वाले जथेदार दे रूप विच तुसी हाले गुरु नहीं धारण कीता। सतगुरु पातशाह दे अंदर जिहड़ी भावना अंदर प्यार सी अंदर वैराग सी क्योंकि जितनी देर पूरा गुरु ना मिले जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे आ गुर बिन घोर अंधार गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे। उसे वेले मन की लिया गया अद्धी रात दा वक्त अमृत वेले उठ करके तुर पए ने अपने नगर बासर के आ गए। रोजाना घर का माहौल जेड़ा सी घर दे विच बीबी अमरो जी धन गुरु अंगद देव साहिब जियां दी सपुत्री आप जी दे भतीजा जी दे नाले व्याही हुई सी। बाणी ओ पहला भी रोजाना